बढ़ते आगे। दिल्ली में वाल्मीकि शोभा यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आज संविधान, वाल्मीकि जी की विचारधारा और खासतौर पर हमारे गरीब दलित भाई बहनों पर आक्रमण हो रहे हैं और ये सबको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये आक्रमण नहीं होने देगी, ये देश को जितना तोड़ेंगे हम उतना जोड़ेंगे। वहीं राहुल ने कहा कि देश में 4 से 5 लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है, इस देश में गरीबों और कमजोरों पर आक्रमण हो रहे हैं और कांग्रेस इन्हें रोकेगी। ये लोग जितना देश को तोड़ेंगे, जितनी नफरत फैलाएंगे, हम उतने प्यार की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, सच्चाई हमारे साथ है। वाल्मीकि जी ने देश को एक रास्ता दिखाया, जीने का तरीका, उनका जो संदेश था प्यार और भाईचारे का संदेश था। और आज जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं, वाल्मीकि जी के संदेश पर आक्रमण हो रहा है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाल्मीकि जी की विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो नई चीज नहीं है, वो पुरानी चीज है। जो वाल्मीकि जी ने कही थी वही हिंदुस्तान की जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन में वही विचारधारा रखी है। जो हमारे गरीब दलित भाई हैं, बहने हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है और ये सबको दिखाई दे रहा है। पूरे देश को मालूम है कि दलितों पर, कमजोर लोगों पर आक्रमण चल रहा है। चुने हुए लोगों को, 5, 10, 15 लोगों को पूरा का पूरा फायदा दिया जा रहा है और जो लाखों करोड़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, दलित हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है और उनको चुप किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। जो हमारे दलित भाई हैं, बहने हैं, आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये जो आक्रमण हो रहा है इसको रोकेगी, इसको नहीं होने देगी। और जितना ये देश को तोड़ेंगे उतना हम देश को जोड़ेंगे। जितनी ये नफरत फैलाएंगे उतना हम प्यार की बात करेंगे, उतना हम भाईचारे की बात करेंगे। और आपको कहता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच्चाई हमारे साथ है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।